गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 82 करेंगे। कौन सी वर्कशीट? 82, जो कि 6 to 8 के क्लास के लिए है। स्टूडेंट अपना नाम मेंशन करेंगे, अपनी क्लास टीचर का नाम, डेट ज़रूर मेंशन करेंगे। तो बच्चे, चलिए आज की वर्कशीट हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों, आज की वर्कशीट हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स के बारे में है, यानी हमारी इंद्रियों के बारे में है। सब पाँच इंद्री है, यानी फाइव सेंस ऑर्गन्स है बच्चे। सबसे पहला क्या है? आँख, ठीक है, नाक, आँख जिससे हम देखते हैं, नाक जिससे हम सूंघते हैं, कान जिससे हम सुनते हैं, जीभ जिससे हम स्वाद लेते हैं, त्वचा जिससे हम हर चीज़ को फील करते हैं, छूते हैं तो पता करते हैं कि हमारी स्किन कैसी है, खुरदुरी है, क्या है, सॉफ्ट है, जिससे हम हर चीज़ को छू के पता कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। आपका शरीर सक्रिय है, यानी एक्टिव है, फुर्तीला, हर वक्त काम करता रहता है और आपके आसपास की दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करता है, यानी रिस्पॉन्स करता है हर चीज़ का। आपके कान आपको ध्वनि के बारे में बताते हैं, आपकी नाक आपको खुशबू के बारे में बताती है, आपकी जीभ आपको स्वाद के बारे में बताती है और आपकी आंखें प्रकाश के बारे में बताती है। जब आप किसी चीज़ को छूते हैं तो आपकी त्वचा महसूस करती है कि क्या वह खुरदुरी है या चिकनी है और गर्म है या ठंडी है। बिल्कुल बच्चे, हमें त्वचा से ही अभी कोई भी गर्म चीज़ अपने स्किन पे गिर जाए तो कितना जलने लगता है, दर्द होने लगता है, ठंडा गिर जाए तो ठंडा ठंडा सा लगने लगता है। तो हमें हमारी त्वचा हमें अनुभव कराती है, फील कराती है कि हाँ, कि फाइव सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, फिर से सुन ले बच्चे। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। हमारी क्या है? त्वचा। ये हमारे फाइव सेंस ऑर्गन्स है, यानी हमारी इंद्री है जो हमें हर चीज़ के बारे में, हमारी पूरी बॉडी सिस्टम को बनाए रखते हैं, हर चीज़ का एहसास हमें दिलाते हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। क्या है क्रियाकलाप? सोनिया कैसे समझ सकती है कि मेज़ पर क्या है? ये देखिए बच्चे, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये सोनिया यहाँ पर बैठी है और सोनिया की आँखों पर एक पट्टी बांध दी गई है ताकि उसे कुछ दिखाई न दे। तो कहते हैं, प्रत्येक वस्तु को उसके शरीर के उस भाग के मिलाने वाली रेखा खींचे और उसे समझा सकें। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये सोनिया की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, इसे कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है, लेकिन जब उसका भाई उसे कुछ खिला रहा है तो वो देखिए खिला रहा है तो वो कैसे जीभ यानी जो टंग है उसके थ्रू ही तो इसे स्वाद मिलेगा, है ना? कैसे स्वाद मिलेगा? जब ये खाएगी तो अपने जीभ के थ्रू इनको स्वाद मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जीभ ये घंटी और ये आवाज़ टन 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 बजी, कहाँ गई? कान में सुनाई दी। तो यहाँ पे कान का क्या होगा बच्चे? कान का काम क्या है? सुनने का। क्या है कान का कार्य? क्या है? सुनने का। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो बच्चे। ये देखिए, एक गुलदस्ता रखा है, फ्लावर पॉट रखा है और इसके फूलों में से बहुत अच्छी स्मेल, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। तो सोनिया को कैसे फील हो रहा है कि यहाँ मेरी आंखें तो बंद है, उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है और वो कैसे महसूस कर रही है कि यहाँ पे गुलदान रखा है, फूलों की महक है, तो इसको कैसे सुनाई दिखाई देगी, कैसे इसको सुगंध इसके नाकों तक पहुँचेगी? तो ये इसकी नाक है और ये फूलों से खुशबुएं उठ रही है, महक उठ रही है, सुगंध आ रही है बढ़िया सी, तो इसको एहसास हो गया कि हाँ, यहाँ पे फूल रखा है। यानी इसकी इंद्रिय सेंस ऑर्गन्स कौन? नाक के थ्रू ये स्मेल कर रही है, सूंघ रही है। सूंघने की यानी नाक, क्या नाक का कार्य क्या है बच्चे? सूंघने का। नाक क्या काम करती है? सूंघने का कार्य करती है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। बच्चे ये देखिए, एक चाबी रखी है और ये कैसे फील होगा सोनिया को? जब सोनिया इसको टच करेगी, इसको हाथ मिलेगी, तो इसको लगेगा हाँ, ये तो बहुत कड़ा कड़ा सा है, बहुत हार्ड है और ये इसका शेप भी थोड़ा सा डिफरेंट दिखा समझ में आ रहा है हाथ में, क्योंकि आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है। हाथ में ले करके उसकी आकृति से, आकार से, उसका ठोसपन और कोमलपन देखेगी कि हाँ, ये क्या चीज़ है, ऐसे भी बता सकती है। तो बच्चे यहाँ से क्या? त्वचा, यानी त्वचा हमें फील कराती है कि कौन सी चीज़
सॉफ्ट है, कौन सी चीज़ हार्ड है। तो बच्चे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं कि सोनिया अपनी किस इंद्रिय का प्रयोग नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, क्या बोल रहे हैं, नहीं तो आँख का नहीं कर रही है। यहाँ पर इसने किसका किसका प्रयोग किया बच्चे, ये देखिए, खाने का हुआ तो जीभ पर किया, ठीक, घंटी का हुआ तो कान का हुआ क्योंकि घंटी से आवाज़ आएगी टन 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 टन, और ये क्या है, गुलदस्ता है, गुलदस्ता यानी फ्लावर पार्ट से फूल लगे हुए हैं तो सुगंध आ रही है, तो यहाँ से क्या होगा, नाक होगी, नाक से सुगंध लेते हैं हम। और बच्चे ये जो है की है, ये हार्ड चीज़ है, तो कैसे पता चलेगा, त्वचा के पता, त्वचा के ज़रिए उसे पता चलेगा कि हाँ ये की है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे सोनिया ने किसका किस इंद्रिय का प्रयोग नहीं किया, तो आँख का नहीं किया क्योंकि आँख पे तो उसके पट्टी बंधी हुई थी। तो बच्चे नीचे कौन सा क्वेश्चन है, अगर कोई दोस्त आपको आँख मूंद कर आपको अलग अलग वस्तुएं पकड़ाए, आपके स्पर्श की इंद्रियाँ उन्हें कैसे पहचानती हैं, क्या आपने अपनी इन इंद्रियों का उपयोग उन्हें पहचानने के लिए किया है, हाँ बिल्कुल किया है। तो बच्चे इसका आंसर मैंने ये कर रखा है, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, मैं अपनी स्पर्श, स्पर्श बोलते हैं मतलब छूने, और कैसे छूते हैं, कैसे किससे पता चलता है, हमारी त्वचा से, जब हमारी त्वचा में कोई चीज़ लगती है या चुभती है या ऐसा तुरंत हमें फील हो जाता है, तो कह रहे स्पर्श त्वचा की इंद्रियों की मदद से उस वस्तु को छूकर उसके आकार व आकृति से पता कर सकती हैं, पता कर सकती हूँ, और यह समझने की कोशिश करती हूँ कि यह वस्तु क्या है, और साथ ही मैं अपने नाक का उपयोग करके उस वस्तु के सुगंध से भी उसकी खुशबू से पहचान सकती हूँ। कभी कभी वस्तु की पहचान करने में कान, बच्चे यहाँ पे काम हो गया है लेकिन होगा कान, कान भी हमारी मदद करते हैं, ठीक है, उसको जब हम आवाज़ लगाते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास गिलास है, आपने नीचे गिरा दिया और उस गिलास में पानी भरा हुआ है तो बहुत धीरे आवाज़ आएगी, और अगर खाली गिलास है गिराओगे तो कान से भी हमें फील हो रहा है ना, एहसास हो रहा है, जब खाली गिलास है तो बहुत तेज़ आवाज़ आएगी। तो हम कोई भी सामान कान से भी पहचान सकते हैं कि हाँ क्या है। तो बच्चे ये छोटी सी वर्कशीट थी और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। बच्चे आप सभी फटाफट अपनी कॉपी में करके अपनी टीचर को भेजेंगे और जल्दी से इस चैनल को, जैक स्टडी प्लैनेट को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करेंगे। बाय बाय, धन्यवाद बच्चों।